ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका जिक्र हर एक न्यूज एजेंसी ने किया। फोर्ब्स ने उसे टॉप 10 रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी की लिस्ट में डाला। IBM, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी काफी MNCs इसको अडॉप्ट कर रही है। यहां लोग इसकी तारीफ करने से नहीं रुक रहे। ऐसा क्या खास है ब्लॉकचेन में? ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया चेंज करने का पोटेंशियल रखती है, ठीक वैसे जैसे इंटरनेट ने करी है। ब्लॉकचेन एक तरीके का डेटाबेस है। डेटाबेस का काम क्या होता है? सिंपली हमारे डेटा को स्टोर करना। जब हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेसेस हैं, तो हमें ब्लॉकचेन की जरूरत ही क्यों पड़ी? डेटाबेसेस में जब डेटा स्टोर होता है, तो उस डेटा को ऑल्टर करने के लिए कोई ना कोई एंटिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब हमारे डेटाबेसेस सेंट्रलाइज तरीके से चलते हैं। ब्लॉकचेन यूनिक है क्योंकि वो टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है। कोई एक एंटिटी उसको कंट्रोल नहीं कर रही, और उस डेटाबेस की कॉपी हर एक के पास होगी जो उस डेटाबेस का हिस्सा है। ब्लॉकचेन सिर्फ दिखती कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसका कोर कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। ब्लॉकचेन की वर्किंग समझने के लिए एक कहानी पर ध्यान देते हैं। हम एक गांव में गए, वहां सिर्फ 6 लोग रहते हैं। उस गांव की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक दिन वो सारे डिसाइड करते हैं कि हम पूरे गांव के लिए कैशलेस सिस्टम बनाएंगे। उनका मोटिव बहुत अच्छा है। अब वो आइडियाज डिस्कस करते हैं कि कैसे हम कैशलेस सिस्टम बना सके। उनके पास पहला आइडिया यही आता है कि गांव में कोई एक जना सबके लेजर मेंटेन करेगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? बाकी जनों को उस पर भरोसा करना पड़ेगा कि वो बैलेंस के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। फिर उन्होंने और सोचा कि चलो एक काम करते हैं कि गांव के बीच में एक ब्लैक बोर्ड लगा लेते हैं, एंड उस ब्लैक बोर्ड में सबके बैलेंसेस लिखे होंगे। इसमें क्या दिक्कत आ गई? अगर किसी ने उस ब्लैक बोर्ड के बैलेंस में छेड़छाड़ कर दी तो? फिर उन्होंने और सोचा। सोचने के बाद एक कमाल का आइडिया आया, और वो आइडिया था कि सारे जने हर एक का लेजर मेंटेन करेंगे। मतलब हर एक जना अपने लेजर के साथ साथ बाकी के 5 लोगों का भी लेजर मेंटेन करेगा। हमें इस आइडिया से पता है क्या बेनिफिट मिला? हमें किसी एक पर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं, हम सारे एक दूसरे पर ट्रस्ट कर रहे हैं। अगर देव ने या तनुप्रीत को 100 रुपए भेजे, तो ये बैलेंस 6 के 6 जने अपडेट करेंगे। अगर देव इस सिस्टम को चीट करने की कोशिश करता है, तो बाकी के 5 लेजर्स उसकी चीटिंग पकड़ लेंगे। अगर उसको ये सिस्टम चीट करना है, तो उसे एटलीस्ट 51% या इस केस में 4 जनों के लेजर बदलने पड़ेंगे। अभी तो हमारा गांव छोटा है, लेकिन अगर मैं एक शहर की बात करूं, या पूरे देश की बात करूं, या पूरी दुनिया की, क्या हम 51% पॉपुलेशन को इस सिस्टम को चीट करने के लिए मैनिपुलेट कर सकते हैं? ब्लॉकचेन इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। बस फर्क यह है, हर एक को सबका लेजर मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काम कंप्यूटर्स का है, और एक्यूरेटली बोलूं तो नोट्स का है। हमें ब्लॉकचेन पर कुछ भी स्टोर करना हो, तो इंफॉर्मेशन ग्रुप्स में स्टोर होती है, जिनको ब्लॉक्स कहते हैं। अगर मुझे अपने दोस्त को पैसे भेजने हैं, तो इंस्टेड ऑफ हमारे पुराने बैलेंसेस को अपडेट किया जाए, जैसे नॉर्मली होता है, ब्लॉकचेन हमारी ट्रांजेक्शन एक न्यू ब्लॉक में ऐड कर देगी, एक टाइम स्टैम्प के साथ, जिसमें हमारे नए बैलेंसेस होते हैं। देखते ही देखते इनकी एक पूरी चेन बन जाती है, हेंस द नेम ब्लॉकचेन। हर एक नया ब्लॉक अपने पिछले ब्लॉक से लिंक्ड होगा। अगर किसी हैकर को अपना बैलेंस चेंज करना हो, तो उसे उस पर्टिकुलर ब्लॉक के बाद हर एक ब्लॉक को बदलना होगा, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर हैकर ब्लॉक्स चेंज करने में सक्सेसफुल भी रहा, तो हम ट्रैक कर सकते हैं कि कौन से ब्लॉक से हैकर ने बैलेंसेस चेंज किए, एंड ऐसे केसेस में हम जस्ट उसके प्रीवियस ब्लॉक से हमारी ब्लॉकचेन वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स 51% लोग हैकर का साथ नहीं देंगे, एंड वो हैकर अपने चुराए हुए फंड्स कहीं यूज भी नहीं कर सकता, बिकॉज उसके हैक्ड ब्लॉक्स के आगे कोई ब्लॉक ऐड ही नहीं होगा। ब्लॉकचेन की खासियत क्या है? ब्लॉकचेन को हम प्रोग्राम कर सकते हैं हर उस चीज को स्टोर करने के लिए जिसकी कोई वैल्यू है। जैसे हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, हमारे मेडिकल रिकॉर्ड्स, लैंड टाइटल्स, एंड इवन हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स भी। हमें कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन पर स्टोर्ड हर एक आइटम, चाहे वो प्रॉपर्टी टाइटल हो या लीगल डॉक्यूमेंट, वो सब सारी नोड्स वेरीफाई करेंगी।
इसमें कुछ फेक ऐड करने के लिए 51% नोट्स को चेंज करना पड़ेगा। हालांकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जिक्र 1991 में ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने किया था, लेकिन ये तब फेमस हुई जब सतोशी नाकामोटो ने इसे 2009 में बिटकॉइन में इंप्लीमेंट किया था। बहुत से लोग बिटकॉइन को ब्लॉकचेन समझते हैं। नहीं, बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर चलने वाली एक क्रिप्टो करेंसी है, और ऐसी बहुत सी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पर ही चलती हैं। ब्लॉकचेन का स्कोप सिर्फ क्रिप्टो करेंसी तक ही सीमित नहीं है, ब्लॉकचेन को हर उस जगह पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है जहां डेटाबेसिस की जरूरत है। ब्लॉकचेन से हम अपने इंश्योरेंस सर्विसेज चला सकते हैं, रियल एस्टेट को टोकनाइज कर सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स वेरीफाई कर सकते हैं, मेडिकल हिस्ट्री स्टोर कर सकते हैं, एंड इवन वोटिंग भी उस पर पॉसिबल है। ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एक नोड के पास डेटाबेस की कॉपी है। अगर कोई नोड ऑफलाइन हो भी गई तो वो पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब नहीं करती। ब्लॉकचेन ट्रस्टलेस है, हमें किसी मिडिलमैन की जरूरत नहीं। ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंट है और साथ ही साथ सिक्योर भी है, ये ट्रेसेबल भी है और हाईली एफिशिएंट भी। लेकिन ये इम्यूटेबल है, ब्लॉकचेन पर जो डेटा एक बार ऐड हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। स्टोरेज भी एक कंसर्न है, अगर आप बिटकॉइन की नोड बनते हो तो करेंटली आपको 200 GB की फाइल रखनी पड़ेगी, और ये साइज टाइम टू टाइम इंक्रीज होता रहेगा। स्केलेबिलिटी भी इसका एक और चैलेंज है। ये डाउनसाइड्स होने के बाद भी ब्लॉकचेन बहुत यूनिक फीचर्स प्रोवाइड करती है, और वो डेफिनेटली यही रहने वाली है। अभी भी मास अडॉप्शन को टाइम है, लेकिन बहुत सी इंडस्ट्रीज ब्लॉकचेन पर अपनी पकड़ बना रही है, और आने वाले कुछ सालों में हम कई एप्लीकेशंस देख सकते हैं जो ब्लॉकचेन पर ही चलती हैं। आपको क्या लगता है, हमें क्या ब्लॉकचेन की जरूरत है? अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।